अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम ईद स्पेशल में बना रहे हैं मीठा, और वैसे भी आजकल मैंगो का सीज़न है तो हमने सोचा क्यों ना आज मैंगो ट्राइफल बनाया जाए। तो बहुत ही मज़े का यमी यमी सा हम मैंगो ट्राइफल बनाते हैं और आप भी इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो कस्टर्ड लिए हमने 4 चम्मच, चीनी लिए हमने 8 चम्मच और दूध लिए हमने 1 लीटर। तो चलिए सबसे पहले हम कस्टर्ड को रेडी करते हैं, क्योंकि इसको ठंडा भी करना है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे रेडी करना होगा। तो एक बर्तन लेंगे, इसमें हम दूध डाल देंगे, और थोड़ा सा हमने बचाना है कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बचा लूंगी कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए। और अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, दूध में हल्का सा बॉयल आने देंगे। तो ये जो दूध बच गया, इसको हम पाउडर में मिक्स कर लेंगे, कस्टर्ड पाउडर में अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर सारा अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, दूध में हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है, और हम इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी को दूध में हल होने देंगे। तो यहाँ पे देखें, चीनी दूध में अच्छे से हल हो चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स किया था। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है और ये ठीक होता जाएगा। एकदम से नहीं डालेंगे, एकदम से डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। चलें, ये हो गया। बस 1-2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें, कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे अच्छे से ठंडे होने के लिए। और अगर आपने अभी तक किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको मज़े मज़े की रेसिपीज मिलेंगी। वैसे भी किचन विद आमना पे 1000 से ज़्यादा रेसिपीज हैं, आपको कोई भी रेसिपी चाहिए आसानी से मिल सकती है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और मैंगो जेली भी हमारी रेडी है। 1 कप पानी में मैंने जेली का पैकेट डाला और उसको जमा लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लेन केक लिया है। प्लेन केक की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, ऊपर नज़र आ रही होगी, ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कटे हुए मैंने मैंगो लिए हैं, मैंने 2 अदद तकरीबन, मैंने 2 बड़े आम लिए, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, और पिस्ते लिए हमने 2 टेबल स्पून, और विप क्रीम लिए हमने हजवे ज़रूरत। तो एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, सारा अच्छे से सेट कर लेंगे। चले, फर्स्ट लेयर हमने कस्टर्ड की लगा दी, अब हम इसके बाद लेयर लगाएंगे प्लेन केक की। अब आपकी मर्ज़ी, आप प्लेन केक ऐसे भी रख सकते हैं और 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। 2 टुकड़ों से ये होगा कि सबको मिल जाएगा, सबके हिस्से में आ जाएगा। चलें भाई, ये हमने लगा ली केक की लेयर, और अब हम लगाएंगे मैंगो की लेयर। चलिए, मैंगो की लेयर हो गई, और अब जेली की, ये होगी जेली की, और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम, क्रीम की लेयर लगाएंगे, अच्छे से सारी सेट कर लेंगे। तो क्रीम की लेयर हमने लगा दी है, अब फिर से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे, सेट कर लेंगे सारा। तो सारा हमने अच्छे से सेट कर लिया, अब फिर से केक की लेयर लगाएंगे। केक की लेयर लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे जेली, अब फिर से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे और सारा अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ऊपर हम सारी क्रीम की लेयर लगा देंगे। तो सारी क्रीम हमने अच्छे से सेट कर लिया, अब इसके ऊपर हम मैंगो चंक्स डेकोरेट करेंगे, और इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे पिस्ते। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़े का मीठा मीठा यमी यमी सा मैंगो ट्राइफल। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आप सर्व करें ईद पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और इसे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मैंगो ट्राइफल की रेसिपी कैसी लगी।
तो अगर आपको ये मैंगो ट्राइफल की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।